वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नए नोटिफिकेशंस और वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एरेज क्या होते हैं हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एरेज होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको एरेज के बारे में। तो सोचिए अगर आपको क्या करना है, सपोज यू आर आस्क्ड टू गिव ग्रेड्स, आपको अलग अलग 10 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में, आपको एक ऐसा प्रोग्राम तैयार करना है जिसमें आपको उन 10 स्टूडेंट्स को ग्रेड देना है। तो आप क्या करेंगे, आसानी से क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम के अंदर 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेंगे और उन्हीं 10 वेरिएबल्स को क्या करेंगे, वैल्यूज स्टोर करवा देंगे या फिर कोई भी ग्रेड जो है उसमें स्टोर करवा देंगे। तो 10 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना तो एक आसान सा काम हो जाएगा। मतलब आपको करना क्या है कि 10 वैल्यूज को 10 वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाना है। बट क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि आपको क्या करना है, 100 वैल्यूज को स्टोर करवाना है, 100 ग्रेड्स बांटने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे अलग से, ठीक है ना। अगर बात की जाए 10 की, तो आपको आप क्या करेंगे, 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे और उन्हीं 10 वेरिएबल्स में क्या करेंगे, 10 वैल्यूज को असाइन करते जाएंगे। तब भी थोड़ा काम मुश्किल है, बट अगर आपको मैं कह दूं आपको 100 वैल्यूज को असाइन करवाना है, तो आप क्या करेंगे, 100 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है, और 100 बारी प्रिंट एफ का यूज़ भी करेंगे और 100 बारी वैल्यूज़ को उनके अंदर स्कैन एफ करवा कर उनके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर भी करवाएंगे। और सबसे मुश्किल काम क्या होगा कि आपको जो 100 नाम सोचने हैं, हर वेरिएबल का नाम जो है दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो सी प्रोग्रामिंग है वो केस सेंसिटिव है। इसलिए जब आपको सोचने वाली बात ये है कि आपको क्या करना होगा, सिंपली क्या है, 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे और 100 वेरिएबल्स का नाम भी अलग अलग रखना पड़ेगा, जो कि आपको बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी, आपका प्रोग्राम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो 100 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, फिर उनमें नाम स्टोर करवाना, और फिर 100 बार ही प्रिंट एफ स्कैन एफ का यूज़ करना वगैरह वगैरह, ये काम बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर, और ये हमारे प्रोग्राम को बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एरेज का यूज़ करते हैं। बेसिकली एरे होता क्या है, हमारे पास एरे एक सिंगल वेरिएबल होगा जिसमें हम नंबर ऑफ डाटा स्टोर करवा सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एरे एक सिंगल वेरिएबल है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, सेम टाइप के वेरिएबल्स को हम स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। एंड एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप, मतलब कि एरे के अंदर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को स्टोर करवा सकते हैं। अगर 100 हमें ग्रेड्स को स्टोर करवाने का एक प्रोग्राम मिल जाता है, तो हम 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम एक सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वाकई डिक्लेयर कैसे करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस आप इतनी चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि एरेज होते क्या हमारे पास, कि जब हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं, हमारा प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हम एक सिंगल वेरिएबल के अंदर ही नंबर ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स और सेम टाइप को स्टोर करवा सकते हैं जो कि सेम टाइप की होंगी, उसे हम क्या कहते हैं, एरेज कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने वही लिखा, सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज एरेज विच मेक अस सो इजी टू स्टोर 100। वो एरे का होगा क्या, हम एक एरे बना देंगे, उसका साइज हम रख देंगे 100, 0 से लेकर 99 तक एक साइज उसका रख देंगे हम 100। तो 100 साइज वाले एरे में हम 100 डिफरेंट वैल्यूज, बट सेम टाइप की, सेम डाटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। तो हमें 100 वेरिएबल्स को, नाम तो उनकी नाम में कंफ्यूजन होगी, और ना ही हमें 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने में कोई कंफ्यूजन होगी, तो उसे हम बेसिकली एरे कहते हैं। एरे का यूज़ क्यों करते हैं हम, ताकि अपने प्रोग्राम में हमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स अगर हमारे प्रोग्राम में हैं, तो हम एक ही वेरिएबल में नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप को स्टोर करवा सकें। तो एरेज, आई थिंक कि आपको थोड़ा बहुत समझ लग ही गया होगा कि एरेज होता क्या, बस अब तक ऑब्जर्व कीजिए, हम प्रोग्राम बनाएंगे इसका एरेज का एक, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए है क्या डेफिनेशन ऑफ एरे। अब एरे की मैं आपको एक डेफिनेशन दे देता हूँ, एरे होता क्या है, कहते हैं एन एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप। मैंने जैसे कि आपको कहा कि एरे होता क्या है, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो हमें उन्हें डिक्लेयर करने में बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम में। तो एरे क्या करेगा हमारा, एरे एक सिंगल वेरिएबल्स है, ठीक है, एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ, एरे एक सिंगल वेरिएबल है जिसके अंदर हम कलेक्शन ऑफ सेम टाइप के वेरिएबल्स की कलेक्शन कर सकते हैं, और उसका हम कोई नाम दे देंगे, ठीक है। एंड एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप, या फिर हम कह सकते हैं कि एरे हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन होती है वेरिएबल्स की सेम डाटा टाइप की। वी कैन स्टोर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन अ सिंगल वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ एन एरे। हम क्या कर सकते हैं, एरे बना देंगे एक, जिसको हम एक सिंगल वेरिएबल कह देते हैं। मान लीजिए एरे हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल है, हम उसके अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं बिना ज़्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए। सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसे हम एरे कहेंगे, उसका कुछ साइज दे देंगे कि कितनी वैल्यूज हमने उसमें स्टोर करवानी है, और इजीली हम उसमें क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। आपको एग्जांपल के तौर से समझाता हूँ
कि जैसे हम आपको पहले बताया कि अगर आपको 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो आपको उसका नाम अलग अलग सोचना होगा, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो एक ही वेरिएबल सोच लीजिए, सी प्रोग्रामिंग में ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एक ही वेरिएबल सोच लेते हैं, उसका साइज दे देते हैं, जिसे हम कहते हैं एरे। तो उसके अंदर हम जितना साइज होगा उतनी वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, सिंगल वेरिएबल इन विच वी कैन स्टोर नंबर ऑफ डाटा इज कॉल्ड एरे। एक सिंगल सी वेरिएबल जिसके अंदर हम नंबर ऑफ डाटा को स्टोर करवा रहे हैं, उससे ही हम क्या कह देते हैं, एरे कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डू वी यूज एरेज, कि हम एरेज का यूज करते किस लिए हैं। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ किस लिए हम एरे का यूज करते हैं। इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम। मान लीजिए कि अब मैंने आपको जैसे पहला एग्जाम्पल दिया कि आपको 100 स्टूडेंट्स को ग्रेड देने हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको 100 वेरिएबल्स, 100 printf, 100 बार scanf का यूज़ करना होगा और 100 ही डिफरेंट डिफरेंट नाम सोचने होंगे। तो आप क्या करेंगे उसमें, क्या करेंगे, आपको आपका प्रोग्राम बहुत ही लंबा हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए या इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एरेस का यूज़ करते हैं। इस इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम बाय डिक्लेयरिंग नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन अ प्रोग्राम, बाय डिक्रीजिंग नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन अ प्रोग्राम। मतलब एरेस क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स को की संख्या को कम कर देते हैं। जब उनकी संख्या कम होगी तो ओबियस सी बात है जो हमारे पास क्या प्रोग्राम है, बहुत सिंपल लगेगा देखने में, बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम लगेगा। तो इसलिए हम एरे का यूज़ करते हैं बेसिकली, ताकि हो गया कि हमारे पास जो रिड्यूस हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो दूसरी बात हम आते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ एन एरे कैन बी एक्सेस्ड इजली बाय इट्स एड्रेस। तो किसी भी एलिमेंट जो हमारे पास एरे का कोई भी एलिमेंट, हम उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके एड्रेस से एक्सेस कर सकते हैं। मुझे पता है आपको अब तक कोई समझ नहीं आ रहा होगा, बट आप बस इन चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं। आगे देखिए, एरे मेक अ प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड बाय द अदर्स। अब अगर मैं आपको कहूँ कि एरे के बिना आपको 100 वैल्यूज़ को क्या करना है, 100 ग्रेड्स बांटने हैं, तो आप एरे के बिना 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, 100 बार प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे, वही सेम कहानी 100 बार स्कैन एफ का यूज़ करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका अगर आप अपना प्रोग्राम किसी को दिखाओगे तो वो कहेगा यार ये क्या है। अगर किसी और प्रोग्राम को आप अपना प्रोग्रामर को अपना प्रोग्राम दिखाओगे एडिट करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 100 वेरिएबल्स है, 100 वेरिएबल्स का डिफरेंट डिफरेंट नाम बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो एरे क्या करता है, हमारा जो एरे जो हमारा प्रोग्राम है उसे अंडरस्टैंडिंग बना देता है, मतलब ईजी बना देता है हमारे प्रोग्राम को। आगे हम थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं एरे के बारे में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ एरे पढ़ लेते हैं। तो डिक्लेरेशन ऑफ एरे मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे एरे को हम डिक्लेयर करते हैं। तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ एरे, कि हम एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं और या फिर कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है। एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डाटा टाइप लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे डाटा टाइप, उसके बाद लिखेंगे हम एरे नेम, उसके बाद हम स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे साइज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे सेमीकोलन। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, देखिए होता क्या, हमारे पास यहाँ पे डाटा टाइप, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं हम, सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा टाइप, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे एरे का नाम, जो भी लिख सकते हैं अपने अपनी तरफ से लिख सकते हैं, फिर हम लिखते हैं कि अब हमने हमने अपने एरे के अंदर कितने वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है। जैसे कि हमने मैंने आपको बताया कि हमने 100 स्टूडेंट्स को ग्रेड्स बांटने हैं, तो 100 वैल्यूज़ को हमने उसमें अंदर स्टोर करवाना है। तो मैं इसका साइज 100 दे दूंगा और एक एरे बना दूंगा ग्रेड नाम का, तो उसके अंदर मैं 100 वैल्यूज़ को असाइन कैसे करूंगा, ये बात की बात है। बस अब इस पर फोकस कीजिए कि एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। सिंपली हम सबसे पहले डाटा टाइप को लिखते हैं, डाटा टाइप लिखने के बाद हम लिखते हैं एरे का नाम क्या है, उसके बाद हम लिखते हैं उसका साइज क्या है। तो ठीक है, सबसे पहले हम डाटा टाइप की बात करते हैं, तो डाटा टाइप में हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जैसे इंट, फ्लोट, डबल, ठीक है। क्या ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें डाटा टाइप की, तो डाटा टाइप का मतलब है कि हमारे पास इंट, फ्लोट, डबल, क्या कुछ भी हो सकता है इसमें। अगर हमें इंटीजर वैल्यू की स्टोर करवानी है तो हम इंटीजर वैल्यूज अपने एरे के अंदर स्टोर करवाएंगे और डाटा टाइप इंट लिखेंगे। अगर हमें फ्लोट करवानी है तो फ्लोट लिखेंगे डाटा टाइप की जगह, और अगर हमें करवानी है डबल तो हम यहाँ पे डबल लिखेंगे। उसी तरह हमारे पास आ जाता दूसरी तरफ एरे नेम। तो एरे नेम का क्या मतलब है, जैसे आप सिंगल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो तो उसमें कुछ नाम रखते हो उसका, जैसे सम, एवरेज, जो भी है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक अलग सा नाम रखते हो। तो इसमें भी ऐसा होगा, एरे का कुछ भी नाम रख सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे एरे का नाम रखा है रिजल्ट, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख सकता हूँ, वैसे छोटे के फॉर्म में लिखता हूँ, रिजल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब एनी नेम, कुछ भी नाम आप एरे का दे सकते हो, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आया था हमारे पास साइज, कि साइज कितना होगा एरे का, ठीक है।
तो साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम मेनली लिखते क्या हैं, साइज ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी वांट टू स्टोर, कितने एलिमेंट्स हम स्टोर करवाना चाहते हैं, या फिर हमारे एरे का साइज़ कितना होगा। मान लीजिए मुझे 10 एलिमेंट्स स्टोर करवाने हैं तो यहाँ पे मैं 10 लिखूँगा, उतनी स्पेस बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ लगा होगा कि हम एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद हम एरे नेम लिखते हैं, एरे का नाम कुछ भी लिख सकते हैं हम, जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाए। उसके बाद हम साइज़ लिखते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट्स को हमें स्टोर करवाना है। तो आई थिंक आपको डिक्लेरेशन ऑफ एरे तो एकदम से क्लियर हो गया होगा। जैसे हम एक सिंगल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वैसे हम एरे को भी डिक्लेयर करते हैं, बस एरे में क्या नया चीज़ आ गई, हमारे पास साइज़ दे देते हैं। अगर हमने यहाँ पे 100 लिखा है तो 100 वेरिएबल्स को उसके अंदर स्टोर, वैल्यूज को उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। दूसरी तरफ हमें 100 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ना था अलग से, पर हमारे एरे ने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया। सिंपली हमने किया कैसे, हेल्प से हम 100 वैल्यूज को इसमें स्टोर करवा रहे हैं बिना नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एरेज के अंदर डाटा स्टोर कैसे किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि हमने एक एरे डिक्लेयर किया, मान लीजिए देखिए, मान लीजिए हमारे एरे का नाम क्या है, इंट ए। मान लीजिए हमारे पास एक एरे है इंट ए नाम का, और इंट ए नाम का जो हमारे पास एरे है ना, इसके अंदर हमने कितने एलिमेंट स्टोर करवाए हैं, 8। ये हमारे पास डाटा टाइप आ गया, और ये हमारे पास आ गया क्या, नेम। मैंने इसका नेम दिया ए, उसके अंदर मैंने क्या दिया, साइज, कि मुझे इसके अंदर 8 एलिमेंट्स को स्टोर करवाना है, 8 स्पेसेस बना दी गई हैं। तो इसके अंदर मैं डायरेक्टली भी असाइन कर सकता हूँ, असाइनमेंट हम बाद में पढ़ेंगे। वाइज भी आप ये समझिए कि जब मैंने A8 यानी कि एरे 8 को, साइज इसका 8 है, उसको मैंने इक्वल किया इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ओबियसली बात है अगर यहाँ पे साइज 8 है तो उसमें 8 ही एलिमेंट्स मैं स्टोर करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जब 8 एलिमेंट्स स्टोर करवाऊँगा तो हमारे पास कुछ ऐसा इंडेक्स बन जाता है। देखिए जो हमारे पास इंडेक्स होता है ना, वो कुछ ऐसा बनता है। सबसे पहले होगा क्या होगा, ये कि जो हमारा एलिमेंट नंबर 1 है, यानी कि 1 कॉन्स्टेंट वैल्यू जो 1 है, वो कौन से एड्रेस पे जाएगी, 0 पे जाएगी। फिर जो 2 है वो 1 एड्रेस पे जाएगी, A1। फिर जो 3 है वो एड्रेस 2 पे जाएगी। जो 4 है वो एड्रेस 3 पे जाएगी। जो 5 है वो एड्रेस 4 पे जाएगी। जो 6 है वो एड्रेस 5 पे जाएगी। जो 7 है वो एड्रेस 6 पे जाएगी। और जो 8 है वो एड्रेस 7 पे जाएगी। मतलब क्या इस चीज़ का, मतलब यही है कि जो हमारा एरे है, मान लीजिए हम इसमें 8 एलिमेंट्स स्टोर करवाने हैं, ठीक है ना, तो उसका जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा। मान लो मुझे 8 एलिमेंट स्टोर करवाने थे, जो मेरा पहला एलिमेंट है वो A0 में जाकर स्टोर होगा। यहाँ पे देखिए, जो मेरा पहला एलिमेंट है वो A0 में जाकर स्टोर हो रहा है, यहाँ पे स्टोर हो रहा है, देखिए A0 में जाकर। और जो मेरा लास्ट एलिमेंट है वो मेरा N-1 यानी कि 8-1 हुआ 7, तो 7th एड्रेस में जाकर स्टोर हो रहा है। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए होता क्या, हमारे पास सिंपली, जैसे कि आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस, अब इस, ये हमारे पास टोटली क्या है, वैल्यूज़ है। तो ये हमारे पास एक एरे है, इस एरे के अंदर हमें ये 8 वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है, और यहाँ पे मैंने इसका साइज़ दे दिया 8। तो जो मेरी पहली वैल्यू, उसका जो पहला एड्रेस होगा, वो एड्रेस क्या होगा, A0, मतलब 0 से शुरू होगा। फर्स्ट एड्रेस जो हमारे पास 0 होगा, और लास्ट एड्रेस क्या होगा, N-1। तो यहाँ पे 0 से पहला एड्रेस 0 में होगा, यानी कि 1 जो है A0 में स्टोर होगा, 2 A1 में, ऐसा सोन चलता रहेगा। और जो मेरा लास्ट एलिमेंट है वो कौन से एड्रेस पे जाके स्टोर होगा, N-1। यहाँ पे N क्या, मेरे पास 8 है, तो मैं लिख लेता हूँ 8-1, यानी कि A7 में जाकर मेरा लास्ट एलिमेंट स्टोर होगा। और ये एक कंटिग्यूस फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। अगर मुझे 10 एलिमेंट स्टोर करवाने होते तो मेरा जो पहला एलिमेंट था वो A0 में ही स्टोर होना था, बट जो मेरा लास्ट एलिमेंट था वो होना था 10-1 यानी N-1, जो कि मेरे पास 9 है। तो जब मेरा लास्ट एलिमेंट है, 10th एलिमेंट, वो स्टोर होना था A9 के एड्रेस के ऊपर। तो ये सारे जो मैंने नीचे लिखे हैं, A0, A1, A2, A3, सभी एड्रेसेस हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा कि हम एरे का यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमने ये समझ लिया कि एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि एरेज में वैल्यूज़ असाइन कैसे की जा सकती हैं। तो वैल्यूज़ कैसे असाइन की जा सकती हैं वो हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एरे है, इंटीजर टाइप का एरे है। आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पे मैंने लिखा है कैर। तो हमारे एरे का जो डाटा टाइप है, जब भी हमारे पास कैर होगा, उस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कह देंगे, जो कि हम अगले वीडियोज़ में स्टडी करेंगे। मतलब क्या है कि डाटा टाइप कुछ भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है।
बट कैर जो हमारे पास होता है उसे हम स्पेसिफाई कर देते हैं, उसे स्ट्रिंग भी कहते हैं, उसे हम क्या करेक्टर टाइप डाटा भी कहते हैं, करेक्टर टाइप एरे भी कहते हैं, सॉरी और स्ट्रिंग भी कहते हैं उसे। बाकी इस चीज़ क्लियर है तो आगे हम चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एरे को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं। हम एरे को कई तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। देखिए होता क्या, सबसे पहले हम एरे लिखेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक एरे है इंट ए नाम का, ठीक है, इंट ए नाम का एरे है जिसमें मैंने साइज दे दिया 5, ठीक है। और इसे इनिशियलाइज करने का एक डायरेक्ट तरीका ये है कि मैं इसे करली ब्रेसेस के अंदर इसकी वैल्यूज लिख दूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है इंट ए इक्वल्स टू ए एन एरे 5, मतलब इसके अंदर जो साइज है वो 5 है। आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे मैं लेजर मार रहा हूँ, इसका साइज मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि 5 है, तो उसके अंदर 5 ही एलिमेंट्स आ सकते हैं। 5 से कम एलिमेंट्स हम स्टोर करवाएंगे तो एक वैल्यू जो है वो गार्बेज हो जाएगी, बट 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर हम स्टोर करवाएंगे तो वो स्टोर नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने इसका साइज ही कितना दिया है, 5 दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिखता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे 5 एलिमेंट्स स्टोर करवाने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो होगा क्या, मैं इसे बंद करूँगा और यहाँ पे लगाऊंगा सेमीकोलन। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि 1 जो है वो A0 के अंदर जाकर स्टोर हो गया, 2 जो है वो A1 के अंदर जाकर स्टोर हो गया, 3 जो है वो A2 के अंदर जाकर स्टोर हो गया, 4 जो है वो A3 के अंदर जाकर स्टोर हो गया, और 5 जो है वो N-1 यानी कि 4 के A4 के अंदर जाकर स्टोर हुआ। अलग अलग एड्रेस बन गए, मतलब कहने का मेरा ये है कि 1 जो है वो किस में स्टोर हुआ, वो मेरा स्टोर हुआ A0 से। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी एरे है वो इनिशियलाइज शुरू कहाँ से होता है, 0 से ही होता है। उसका एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस उसका 0 से होगा, लास्ट एड्रेस N-1 से। 2 जो है मेरा वो किस में जाकर स्टोर होगा, 1 के अंदर जाकर स्टोर होगा। 3 जो मेरा किसके अंदर जाकर स्टोर होगा, A2 के अंदर जाकर स्टोर होगा, सॉरी। उस तरह जो मेरा 4 है वो मेरा A3 के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, और लास्ट मेरा 5 जो है वो किस में जाके स्टोर होगा, A4 के अंदर जाके स्टोर होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एरेस को असाइन करने का एक तरीका ये है। और एक तरीका हम लूप्स की हेल्प से भी इसे असाइन कर सकते हैं। लूप्स की हेल्प से हम कैसे असाइन कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो लूप्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, अब असाइन करके देखते हैं कि एरेस को हम कैसे असाइन कर सकते हैं। तो वो मैं आपको एक प्रोग्राम बना के बताऊंगा, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लूप्स की हेल्प से एरेज़ को असाइन भी कर सकते हैं। बाय द वे आप इतना याद रखिए कि एरेज हमारे पास होते क्या हैं। मैं आपको फिर से एक बार डिक्लेयर कर दूं कि एरेज जो हमारे पास क्या होते हैं, कलेक्शंस होते हैं सेम डाटा टाइप के वेरिएबल्स की। हमें अलग अलग वेरिएबल्स नहीं डिक्लेयर करने पड़ते, हम एक ही वेरिएबल्स के अंदर सभी वेरिएबल्स की वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। बस हम एरे बना देंगे, उसका कुछ साइज दे देंगे, जितनी वैल्यूज का हमें स्टोर करवाना है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ तो अच्छे से अब क्लियर हो गई है कि एरेज होते क्या हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे वेब सीपी कंपाइलर पर, और वहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है। और इस प्रोग्राम में मैं करूँगा क्या, इस प्रोग्राम के अंदर मैं क्या करूँगा, यूज़र से 10 वैल्यूज को इनपुट करवाऊँगा, और उन्हीं 10 वैल्यूज को फिर मैं क्या करूँगा, स्क्रीन के ऊपर क्या करूँगा, शो भी करूँगा। तो मैं आपको बता दूँ कि जो हमने अब एरे स्टडी किया है, ये हमारे पास 1-डायमेंशनल एरे है, यानी कि ये हमारे पास कौन सा एरे है, 1-डायमेंशनल एरेज, ठीक है। ये जो हमने एरे स्टडी किया जिसमें हमारे पास एक ही सबस्क्रिप्ट है, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक ही सबस्क्रिप्ट है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 1-डायमेंशनल एरे होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास वैसे होते क्या हैं, 3 तरह के एरेज होते हैं, 1-डायमेंशनल, 2 तरह के ही होते हैं, 1-डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक समझेंगे कि एरे होता क्या। तो मैं आपको बता दूँ जिस टाइप का एरे हम समझ रहे हैं, जो हमारे पास 1-डायमेंशनल एरेज है जिसमें एक सबस्क्रिप्ट है, वो 1-डायमेंशनल एरे ही कहलाएगा। तो अब चलते हैं हमारे कंपाइलर पे, और जहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ IDE पे कि कैसे हम 10 नंबर्स को इनपुट करवाएंगे और फिर उसे शो भी करेंगे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ एन एरेज। अगर 10 नंबर्स की बात है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड ponio.h, और यहाँ से मैं मेन फंक्शन को यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। तो मेन फंक्शन को शुरू करने के बाद मैं करूँगा क्या, मैं यूज़र से क्या कहूँगा, सबसे पहले तो मैं एक ओबियस सी बात है, अगर आपको कोई भी आइडिया क्लिक नहीं करता कि हमारा प्रोग्राम कैसा होगा तो आप क्या करें, आउटपुट स्क्रीन इमेजिन करें। तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ओबियस सी बात है, एक मैसेज आएगा कि एंटर द 10 वैल्यूज़। मान लीजिए मुझे 10 वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट करवानी है और एरे की हेल्प से उन्हीं 10 वैल्यूज़ को मैं आउटपुट करूँगा स्क्रीन के ऊपर, तो वो कैसे होगा, देखिए प्रिंट एफ करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूँगा एंटर
10 वैल्यूज, मैं यूजर को कहूंगा कि 10 वैल्यूज को एंटर करे, तो अब ओबियस ही बात है उसे मैं कहीं पे स्टोर करवाऊंगा, तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ ए, उसमें 10 वैल्यूज को स्टोर करवा दूंगा और यहाँ पे सेमी कोलन लगा दूंगा। तो जो भी यूजर वैल्यूज एंटर करेगा मुझे उसे किसमें स्टोर करवाना है, किसमें स्टोर करवाना है मुझे, उसमें मुझे उसे स्टोर करवाना है स्कैन एफ की हेल्प से, जाने की किसमें स्टोर करवाना है मुझे, ए के अंदर स्टोर करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा स्कैन एफ परसेंट डी एड्रेस टू ए। अब ए के 10 एड्रेस बन रहे हैं, ए 0, ए 1, ए 2, ए 3, ए 4, ए 5, ए 6, ए 7, ए 8 एंड ए 9। तो मुझे कौन से वाले एड्रेस के अंदर इसे स्टोर करवाना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लूप्स का यूज़ करता हूँ। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि इसे हम लूप्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, असाइन भी करवा सकते हैं और प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और इंटीजर लिख लेता हूँ इंट आई नाम का, तो मैं करूँगा का क्या यहाँ पे फोर लूप लगाऊंगा, फोर आई इक्वल टू जीरो, क्योंकि मेरा फर्स्ट एड्रेस जीरो होता है। आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू आई इज़ लेस देन 10 करूँगा और यहाँ पे कर दूंगा आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नीचे आ जाऊँगा, यहाँ पे लगाऊँगा एक कर्ली ब्रेसेस, तो यहाँ पे इसे करूँगा बंद। तो अब होगा क्या, जब मैं 10 वैल्यूज को एंटर करूँगा, सॉरी यहाँ पे मैंने आई नहीं लगाया, आईएथ एड्रेस दे दूंगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, मैंने यूज़र को कहा कि 10 नंबर एंटर कीजिए, जो भी वो 10 नंबर एंटर करेगा मैंने उसे स्कैन ऑफ कर दिया ए आई में। अब आप कहेंगे ए आई का क्या कैसा मजाक है, तो होगा क्या, सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट होगी, जो पहला एलिमेंट है वो ए जीरो के अंदर स्टोर होगा, फिर आई की वैल्यू वन पुट होगी क्योंकि आई प्लस प्लस हो रहा है, फिर वन में जो वैल्यू होगी वो एड्रेस वन का होगा, ऐसे सोन हमारा एड्रेस इंक्रीज करता जाएगा। तो अब मुझे इन 10 वैल्यूज को प्रिंट भी करवाना है स्क्रीन के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्रिंट एफ एक मैसेज दूंगा, द डिफरेंट 10 वैल्यूज यू एंटर आर आर, यहाँ पे स्लैश एन लगा दूंगा। तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर लूप का यूज करना पड़ेगा किसके लिए, वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए। आई प्लस प्लस कर दूंगा यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा प्रिंट एफ कर दूंगा परसेंट डी, और इसमें मुझे प्रिंट क्या करना है ए और आईथ एड्रेस, अब जो भी वैल्यूज मैं इनपुट करवाऊंगा। तो देखिए प्रोग्राम कितना आसानी से बन गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं इसे रन करूंगा तो मेरे पास जो 10 वैल्यूज मैं इनपुट करवा सकूंगा, मुझे 10 वेरिएबल्स की जरूरत नहीं पड़ी इसमें, इसमें मुझे 10 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने सिंपली की क्या किया, एक ही प्रोग्राम के अंदर एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसे हम कहते हैं एरे, उसमें मैंने 10 वैल्यूज को स्टोर करवा दिया, मुझे 10 वेरिएबल्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम इसे आसान कर सकते हैं, बस स्कैन एफ परसेंट डी एड्रेस टू ए आई, जितनी बार आप जितनी वैल्यूज आप इनपुट करवा रहे हैं उसका एड्रेस जीरो से शुरू करेंगे और लेस देन 10 करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया एन माइनस वन होता है, और वैसे ही वैल्यूज स्कैन एफ और प्रिंट एफ हो जाएंगी। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा, से हम कंपाइल करके देख लेते हैं, इसका नाम रखता हूँ tutorial.c नाम से, तो आई थिंक कोई एरर नहीं होगा इसमें, अब तक ये कंपाइल हो रहा है तो कोई भी इसमें कंपाइलर नहीं है, सॉरी एरर नहीं है इसमें। तो देखिए ये 10 वैल्यूज मांग रहा है मुझसे, जब मैं इसे रन करता हूँ तो मैं से 10 वैल्यूज मांग रहा है, मैं इसे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 12 23 23 23 23। तो देखिए हुआ क्या, द डिफरेंट 10 वैल्यूज यू एंटर आर 1 2 3 4 5। थोड़ा सा इसमें एक मिस्टेक है कि मैं यहाँ पे अगर प्रिंट ऑफ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा स्पेस डाल लेता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर से दिखाई दे मुझे। अब मैं फिर से कंपाइल करके इसे रन कर रहा हूँ, उससे क्या होगा मेरे पास जो नंबर्स मैं एंटर करूंगा वो क्लियरली दिखाई देंगे मुझे। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2, सॉरी फिर से एक बार रन करना पड़ेगा मुझे इसे। देखिए मैं इसे रन करता हूँ, मैं डिफरेंट नंबर्स एंटर करता हूँ 1, मैंने 10 नंबर्स एंटर किए, उसने 10 नंबर अपने अंदर असाइन किए और मुझे शो भी कर दिए। देखिए 1 1 1 1 2 2 2 2 एंड 2 2, आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से मैंने क्या किया, इसमें वैल्यूज को इनपुट भी करवाया और उस पर डिस्प्ले भी करवाया, किसकी हेल्प से, एरेस की हेल्प से। अब इन 10 नंबर्स के लिए मुझे 10 वेरिएबल्स की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने सिंपली एक एरे डिक्लेयर करके ही क्या कर दिया, उसे अपनी स्क्रीन के ऊपर इनपुट करवा दिया है और साथ में आउटपुट भी करवा दिया है। तो आई थिंक आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। तो चलते हैं हमारे, इसे मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से, तो मैं जा रहा हूँ आप अपने बोर्ड के ऊपर, तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए।
तो आई थिंक आपको एरे क्लियर हो गया होगा कि एरे एक सिंगल वेरिएबल जिसमें हम नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। तो आज जो हमने एरे स्टडी किया वो हमारे पास वन डायमेंशनल एरे है, क्योंकि उसमें हमारे पास एक ही सबस्क्रिप्ट थी। तो आगे जो हम एरे स्टडी करेंगे वो हमारे पास कौन से एरेज होंगे, मल्टी डायमेंशनल एरेज होंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल पे, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगली वीडियो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम सिंग वन डायमेंशनल एरेज की हेल्प से एवरेज पता कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।